हेलो जी, गुड इवनिंग, जय राम जी की, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और ये देखो साहब, साहब बहुत ज़्यादा परेशान है फिलहाल, क्योंकि साहब हैं जाग न था, साथ पाओ बनाने। तो जी, वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं शाम के कितने बजे से, 5:09 से। मौसम है बहुत ही अच्छा वाला, खतरनाक वाला मौसम है। बारिश के देवता जो हैं वो हमारे ऊपर मेहरबान है, बहुत अच्छे से। और साहब आ जाओ ना यार। नहीं, और है ना, आज पता है मैंने क्या कर रखा है? पता है, मैं आप बेवकूफ़ मत समझना, मैं उधर से चप्पल पहन के इधर आई हूँ, चप्पल मेरी उधर निकाली हुई थी। आज सब जगह कपड़े कपड़े फैले हुए हैं, ये देखो। अरे राम, गिर भी गया। समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, हवा चल रही थी ना, गिर भी गई। पता है सबको, क्या बेवकूफ़ हूँ? जाओ ना, इनकी आदत है। ये देखो आदत को नहीं, ये हमारे यहाँ पे है ना, यहाँ पे कम से कम भी 40 पौधे होते मिर्ची के। अभी मैं ना तोड़ा, मैं ना जा ऑन कैमरा बोलोगे ना, इब्बी भी पक्का खोज दिखा दूँ। देखो इब्बी भी, मैं ऊपर पैर ना धर के गई ना, मेरा मूड खराब मत करो। देखो ये देखो, कितने सारे कपड़े धुले थे आज। और फिर बाद में जो इंद्र देवता है ना, वो भिड़च गए, मतलब उन्होंने सोचा कि आज सारी बारिश हमें इधर ही करनी है, इनको खुश कर देना है। पानी पानी इधर उधर सब जगह पानी पानी कर दिया। कपड़े सुखाए मैंने दोपहर में 2:30-3 बजे के बाद में, अब जाके थोड़े सूखे हैं। और मैं आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाली थी, चलो छत पे चलते हैं। आज पता नहीं व्लॉग आगे बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन ये चीज़ तो मैं शेयर कर देती हूँ, मेरे से वेट नहीं हो रहा। आ जाओ तो साहब। नहीं, देख लो बात उनकी। तो मैं क्या शेयर कर रही थी, हमारी पता है क्या चीज़ पर डिस्कस हो रहा था अभी। मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि सारी ऑडियंस बोलती है किचन बना लो किचन बना लो, आप किचन कब बना रहे हो, ठीक है। ये इन्होंने इतना डायरेक्टली इतना बढ़िया वाला जवाब दिया, मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब देंगे। इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मन खुश हो गया। मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू करते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इन्होंने बोला तू किचन किचन की टेंशन क्यों ले है, बताइए आगे। पापा ताजमहल बनवा जा, ताजमहल खातर तो मरना पड़ेगा। तो पता हूँ क्या हो रहा है, इन्होंने मेरे को समझाया, वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाती हूँ, रुको। हाँ साहब बताओ। ये तिनका है, सरसों का लेकड़ा। ये मैंने सरसों का लेकड़ा नहीं है, जो बात है वह सच बता दो। अब मेरे ये बात से मत फिरो, मैं ही बता दूँ। चलो इन्होंने मेरे को बोला कि ना आप लोग बताना, और बाकी बेटा एक मिनट चुप हो जा, मैं बात कर रही हूँ कि किचन नहीं, तू थोड़े से दिन का टाइम दे दे, मैं यहाँ पे एक रूम, यहाँ जो नीचे बना हुआ है ना सेम वैसे, एक वहाँ पे पीछे गैलरी, बोले ज़्यादा ऊपर बनाने में ना ज़्यादा वो नहीं लगेगा, फालतू खर्चा भी नहीं आएगा, ज़्यादा दाम जाम नहीं है। वो हो गया, यहाँ पे हॉल हो गया, और यहाँ पे इतनी बड़ी ये किचन, ठीक है। और ये पूरा यहाँ पे लेंटर हो ही जाएगा पूरे पे, बोले उससे अटैच हो जाएगा, तो ये इतना बड़ा घर अपना तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो फिर आप इतना बे थोड़ी ना। हाँ मैं भी कह दी चल दियो, इतना टाइम ही इतना थमने के रहा, याद रखो वो थम कह दानवीर जी पालो पड़े मजबूरी में करती भी के हाँ भर ली वो ठीक से, थोड़ा सा टाइम ले लो लेकिन कर दियो, ठीक है। तो फिर आप लोग भी कहोगे कि दीदी चलो बढ़िया काम हो गया, तो काम शुरू करेंगे, थोड़े से दिन की बात है, बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए, फिर अपना काम शुरू हो जाएगा। वहाँ पे किचन बनेगी, इधर रूम बनेंगे, यहाँ हॉल, वो बैठक, फिर अटैच, और पूरा घर तैयार। टाइल धीरे धीरे डलवा लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है शुरू में डलवानी, है ना। तो ऐसा कुछ प्लान बनाया है, आप लोग बताना। और ये जो है ना, ये किचन के अंदर ही आएगा, ये जो है ना ये वाला, ये कह रहे हैं ये किचन के अंदर ही आएगा, इसके ऊपर वो करवा देंगे जाल जो होते हैं, तो अच्छा अच्छा। अभी ये बकवास कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले कह रहे थे इसके अंदर ना जाल डलवा देंगे, फिर ना ये और अंदर सारी 9 इंच की दीवार आ जाएंगी। पिलर पे आजकल है ना घर, पिलर पे बनते हैं ना। थम बकवास करोगा, मेरा मूड बहुत अच्छा है फिलहाल, ये ना बकवास करने आएंगे, मेरे को पता है अच्छा खासा मूड है उसकी, ऐसी तैसी कर देंगे। ये रखेंगे कि आपकी मम्मी वहाँ से खाना बना के कचरा रहेगा उसके अंदर डाल देगी, पूरा भर जाएगा, तो उठा के बाहर डाल जाऊंगा। हाँ मैंने यही काम है, एक थैली लटका दे रही, सुगला सुगली बात करनी, थैली लगा देंगे और क्या, थैली को ऐसे, हाँ सारी ऐसी ऊट पटांग बात करनी। तो ये किचन काफी लंबी हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर जाल डाल देंगे ना तो किचन के अंदर ही आ जाएगा, ये पूरे रूम के जितनी किचन हो जाएगी। और फिर एक साइड में यहाँ पे मंदिर,
ठीक है, जाल के ऊपर मतलब ऊपर वो मंदिर के जैसा बना के और जाल के ऊपर वो डाल देंगे मैट वगैरह, तो मंदिर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इन्होंने मेरे साथ अपना प्लान शेयर किया है, तो देखते हैं कब बनता है अपना घर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिल चाहिए बस, बोल तो स्विमिंग नहीं बन सकता अंदर तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, फिर देखना। आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए थे, दीदी हर यूट्यूबर अपना घर बना रहे हैं, आप कब बनाओगे? मैं क्या बोलूँ उस टाइम पे, अभी कोई प्लान ही नहीं था, ये बोलते ही नहीं थे। मैं कुछ इस मामले में बात करती तो ये चुप हो जाते थे, लेकिन आज इन्होंने खुद से कहा कि हाँ ऐसे ऐसे अपन करेंगे। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी आज बताऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है ना इस मामले में, तो आपको पता चलेगा तो आपको खुशी होगी, क्योंकि आप लोग चाहते हो, मन से चाहते हो ये चीज़। तो बहुत जल्दी अपना ये सपना पूरा होगा। और आप लोग है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़। आजकल पता है क्या हो रखा है, मेरा चैनल एकदम ठप बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों मेरी ऑडियंस मेरे को छोड़ के जा रही है शायद तक मेरे में कोई कमी है, मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती। अब मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं चाहे मुझे रात के कितने भी लेट हो जाए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करके सोऊंगी, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, प्लीज़ आप लोग साथ देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा जो है ना सपना उसको पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू। आप सब ने कहा तभी मैंने इनसे बात की, नहीं तो मैं ऐसे ही चलती रहती, मेरी बात करने की वो नहीं थी। हर चीज़ में मेरा ऐसे ही होता है, ये रहा मेरी पॉकेट में, ले जाओ तो उरे रखो तो मेरे गाल ले जाए, मैं सोची बारिश आ जाए तो भीग जाओ। मौसम ऐसा ही है ना, कभी कभी छांट छोटी छोटी आ जाती है, कभी साफ रहता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को ये वाली गुड न्यूज़ दूंगी कि कब से स्टार्ट हो रहा है काम, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द। ठीक है।